माइन मोटर हैंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी आया हूँ मैं मंडला, आज सुबह ही आया हूँ। तो मंडला आया था तो मैं कहा कि चलो घूम के आते हैं, गरम कुंड गरम पानी जो ही बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं आया हूँ अपनी बीस्ट में, देखो अपनी बीस्ट आई है सामने। और फिर तीन लोग आए हैं हम लोग इसमें बैठ के, एक रोहित है और एक नितिन है। तो अभी चलते हैं गरम कुंड की ओर और देखते हैं यहाँ पे क्या कैसा सीन है यहाँ का। मैं भी दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्लॉग। तो गाइस चलो अभी चलते हैं गरम कुंड की ओर। यार यहाँ ये जो लोकेशन है मंडला से 18 किलोमीटर दूर है, तो कहाँ कैसे कैसे आना पड़ता है ब्रो यहाँ पे आने के लिए? मंडला से जबलपुर रोड ना, जैसे आएंगे तो वहाँ पे कैसे कौन कौन सी जगह पड़ेगी अपने को? बस सीधे बबेहा आना है तो वहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। घोघरा? घोघरा नहीं तो गरम पानी। नहीं तो गरम पानी आने के लिए जो जो जगह पड़ती है ना, मेन जगह कौन कौन सी जगह पड़ती है? मेन जगह हो गया अपना फूल सागर। हाँ फूल सागर, और फूल सागर हो गया बस इतने ही, मैं तो यही है ना फूल सागर। हाँ, फूल सागर से कितना दूर होगा? करीब ये 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर। तो फूल सागर से 3 किलोमीटर दूर है ये जो लोकेशन है यहाँ का। यार कितना प्यारा है यहाँ पे देखो बना दिए हैं देखने के लिए। और ये है गरम कुंड आगे वहाँ पे ना, अच्छा नदी है। तो यहाँ पे क्या कैसा सीन है, यहाँ पे क्या कैसा सीन है भाई यहाँ का? ये नदी के बीच में गरम पानी हो। हाँ कुंड है। अच्छा मास्क निकाल के बोलना थोड़ा, आवाज़ कम आ रहा है। क्या बोल? तो भाई ये लोकेशन की मतलब खासियत क्या है? भाई नदी के बीच में गरम कुंड का पानी। पहले तो मेन बात ये एक दर्शनीय स्थल है। अच्छा और? और फिर यहाँ आने से ऐसा बताया जाता है कि खुजली बंद हो जाती है, जो जो क्या बोलते हैं खुजली वजली वगैरह रहते हैं। हाँ खुजली फोड़ा शरीर से जो भी कष्ट हो। हाँ वो यहाँ पे आके ठीक हो जाते हैं। तुम लोग कभी आए हो यहाँ पे? इसके पहले हाँ है बस एक बार। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ गरम कुंड। ये है गरम कुंड, सुन ना यहाँ पे तुम लोग। यार ये गरम कुंड है और यहाँ पे ये है नदी, वह नदी को बीचों बीच में है गरम कुंड। और कितना गड्ढा होगा भाई फिर भी यहाँ पे गहरा? पता नहीं यहाँ पर बोर्ड लगा होगा भाई। ये तो सच में गरम है यार, बहुत एक्सपीरियंस वाली। तो यार ये जो लोकेशन है यहाँ का, ये मैं रिवील कर रहा हूँ, मंडला से 18 किलोमीटर दूर है। एक बार और बता दूँ मैं आपको, गरम कुंड। और यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं मछुआरे लोग, ये देखो वो दिख रहा होगा आपको सामने वहाँ पे। उधर से पूरा ये नदी है, ये पूरा गोल है नदी का ऐसे। और आज का मौसम देखो आज,
आज बारिश भी हुई है यार बहुत ज़्यादा। और ये है अपना गर्म कुंड, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार ये लोकेशन। वाकई में यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा जैसे यहाँ पे अपन फेस वगैरह वॉश करेंगे तो कर सकते हैं ना। और तुम लोग यहाँ कई बार आ चुके, नहा भी चुके हैं, नहा भी लिए हैं। तो तू यहाँ पे जब पहली बार आया तेरे कैसे लग रहा था? मस्त लग रहा था, नहाया भी था यहाँ पर मैं। हाँ तो गहरा रहा होगा, कितना गहरा लगा है? मतलब नीचे जाली भी लगी, नीचे भी लगी, हाँ रॉड लगे हैं बड़े बड़े, और ज़्यादा नीचे ना जाए करके, है ना? हाँ बहुत गहरा। और यहाँ से जैसे वही साबुन वाबुन में नहा सकते हैं? नहीं नहा सकते, नहीं नहा सकते, तो लिखा नहीं तो वहाँ पे गोद दिए ना भाई। यहाँ पे देख, यहाँ पे गोद दिए हैं कि ये देखो यहाँ पे गोद दिए हैं इसको। यार लोकेशन तो बहुत प्यारा है यार। और तो ये पानी सड़ता अड़ता नहीं है क्या? नहीं तो इतना इतना समय नीचे पाइप लगी है जाने के लिए इसके पानी, जैसे ओवरफ्लो नहीं होता ना तो हाँ हाँ पानी। तो यहाँ पे कभी मतलब ज़्यादा पानी भरता आता होगा तो बारिश आ रही तो सीजन है भरने का, फिर ये थोड़ा सा कम रहता है ये। अच्छा मतलब सुनने में मिला है मुझे कि यहाँ पे काले आदमी गोरे हो जाते हैं। सही है क्या भाई? मतलब तीन चार नहीं, मतलब उसके कारण पानी के कारण दिखता है वो बॉडी, मतलब गोरा गोरा सा। अच्छा गरम है ना तो गरम पानी में नहाने से तो वैसे बॉडी मन कर रहा है भाई यहीं पे नहा ले एक बार ट्राई कर ले नहा के, लेकिन कपड़े वगैरह लाए नहीं है हम लोग तो नहीं नहा रहे अभी। देखो उधर पे ये कौन सी नदी है भाई? ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी है। हाँ तो ये नर्मदा नदी है और उस तरफ से आ रही है इस तरफ से, तो यहाँ पे ये पूरा एकदम भरा हुआ है, गोल बन गया है यहाँ पे। कट-कट के आई है। हाँ मैं नर्मदा नदी पीछे है, ये कुछ भाग जो नर्मदा नदी के वो कट के इस तरफ बह गया। यार देखो कितना प्यार। और यहाँ इधर कहीं से पानी बहता है तो नहीं जो ऊपर से? नहीं बहता, सब यहीं पे ना। और यार यहाँ पे कितना कचड़ा चढ़ा करके रखे हैं, साफ वाफ नहीं करते क्या यहाँ पे? तो आप लोग क्या यहीं पे रहते हो? जी अंदर से घुस के आने। हाँ 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 अच्छा। तो यार हम लोग YouTube के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने आए थे YouTube में, हाँ इसलिए पूछ रहे हैं हम लोग। और कितना गहरा होगा फिर भी? बहुत गहरा है भैया, जाली लगी है नीचे। हाँ तो क्या बात, बहुत गहरा है वैसे, जाली लग रही है अंदर। और फिर भी कितनी चौड़ी होगी जाली? देखो 15-20 ट्रक अंदर आराम से चल जाएंगे। हाँ आराम से, उससे भी ज्यादा ट्रक चल जाएंगे। बहुत ज्यादा गहरा, इतना गहरा है ना। हाँ एक बार कोई आदमी घुस गया तो फिर दोबारा नहीं निकल पाएगा फिर। जाली लगा दी है सेफ्टी के लिए, इधर है गेट। और फिर जैसे ये पानी साफ करना होगा तो कहाँ से करेंगे? ये भैया साफ ही रहता है जी, गंदक वाला है। और यहाँ साबुन वगैरह से नहीं नहा सकते ना? नहीं नहा सकते, साबुन उधर चले जाते हैं नहाने के लिए। यार पूरा कितना गंदा करके रख दिए हैं यहाँ पे। बाहर से आते हैं भाई कोई मानते नहीं है। हाँ बाहर के अपने मन का कर लिए नहाए धोए साबुन लगाए। यहाँ पे लिखा भी है यार फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है ना। यार आप लोग वीडियो देखोगे तो प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे आना, इतना अच्छा प्लेस है यार, इसको गंदा मत करना। देखो यहाँ पे पन्नी फैला दिए हैं इसको, महीने में कई बार साफ करते होती है सफाई। और ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी। और यहाँ पे मोर वगैरह घूमते हैं कहते हैं? घूमते हैं। अच्छा इधर तो कई बार निकलते भी हैं, कभी कभी दिखने को मिलते हैं इधर। हाँ तो ये वाली नदी इधर से आई है ना ये यहाँ से? और ये कहाँ से को निकलती है फिर यहाँ से? जी बड़े पुल थोड़ा निकलेगी और यहाँ से। हाँ। सामने से ना जी। चलो बढ़िया है, तो मिलते हैं फिर एक बार और आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। तो अभी हाँ चलते हैं हम लोग, नहीं मंडला से, हम लोग डिंडौरी से आए हैं। डिंडौरी से आए हैं तो बोले कि यहाँ घूम के आते हैं, अच्छा प्लेस है। हाँ बहुत दूर दूर से आते हैं यार, देखो इतने दूर दूर से आते हैं तो प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे गंदा मत करना है प्लीज़। देखो कितना गंदा हो गया, यहीं पे नारियल छील के यहीं पे फेंक दिए कपड़े वगैरह सब। देखो यहाँ पे हाँ ये देखो यार, नर्मदा नदी में भी कितने गंदा करके चले गए। तो प्लीज़ यार देखो वीडियो देख रहे हो जो भी, तो गंदा मत करना इस प्लेस को, इतना अच्छा प्लेस गंदा होता है अच्छा नहीं लगता।
तो दोस्तों अभी जा रहे हैं वापस से घर, तो जाना धुल के आ जाए, वहाँ पे गरम गरम पानी आती है भाई, वहाँ पे अच्छा प्लेस है यार। मैं तो कहूँगा आप लोग भी एक बार विज़िट करने आओ यहाँ पे, पर गंदा मत करना, देखो गंदा कर दिए बहुत बेकार लगता है यहाँ पे आने वालों को, देखते होंगे कहते होंगे इतना गंदा करके रखे हैं, इतना अच्छा प्लेस, पन्नी फेंक दे रहा है यहीं पे और फिर कपड़े वगैरह सब यहीं फेंक देते हैं। तो रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, प्लीज़ गंदा मत करना, प्लेस आओ विज़िट करो अच्छे से, फ़ोटो वगैरह क्लिक करो, नहाओ धो, पर गंदा मत करो प्लेस, प्लीज। और किसी को खुजली वगैरह हो तो एक बार नहाने आ जाना जरूर, कहता है यहाँ पे खुजली होती है वो मिट जाए।